दोनों ने बताया नहीं कि तुम लोग कैसे मिले। हमारे डिवोर्स के बाद तुम कहां थी, क्या कर रही थी? आई हैव नो आइडिया। सो टेल मी, तुम दोनों की लव स्टोरी कब और कैसे शुरू हुई? कभी कभी कहानी की शुरुआत याद नहीं रहती है, लेकिन ये हमेशा याद रहता है कि कहानी खत्म कैसे हुई। प्यार अगर सच्चा हो ना तो खत्म ही नहीं होता है। कहानी हो तो कहानी का क्या है, कहानी को तो खत्म होना ही होता है। नहीं आने का? I'm sorry, I didn't mean to make you uncomfortable. No, that's absolutely fine. I'm enjoying my food, yeah. You know, जब कभी कभी बात करना शुरू करते हैं, it just goes from one topic to another. हम पास्ट के बारे में बात ही नहीं करते हैं। We must talk about something new, नया topic. तो तुम ही मुझे बताओ कि तुम दोनों की कहानी कहाँ शुरू हुई और how did you guys meet? क्या फर्क पड़ता है? हम कैसे मिले? हम मिल गए, ये मायने रखता है ना? Exactly. Well, I think तुम पास्ट के बारे में बात ही नहीं करना चाहते। It's all right. फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। तो शादी कब है? कमाल है ना, शादी का नाम सुनते ही तुम्हें मिचमिची होने लगी। What? ये मिचमिची क्या है? What? You don't know what is मिचमिची? No, I don't know what is मिचमिची. Strange ना? तुमने अपने फियांसे को कभी ये शब्द सुना ही नहीं, मतलब तुम्हारी डिक्शनरी का इतना इंपॉर्टेंट वर्ड उसने कभी सुना ही नहीं है। This is kind of strange. जब मैं इतनी सारी चीजें पीछे छोड़ सकती हूँ तो मैं मिचमिची क्यों नहीं छोड़ सकती? तो शादी कब की है? हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया। yeah. I am sure Vikram ने तो कर लिया होगा। After all, he's a very successful, planned businessman, huh? तो सब कुछ तुम advance में plan करते होगे, right? Yeah, I have to plan ahead, basically. कब की date? आपकी सुई फिर अटक गई है। हमने कहा ना कि हमने अभी तक decide नहीं किया है। हम शादी आज करें, कल करें, परसों करें या अगले साल करें, अगले जन्म में करें। आपको क्यों तकलीफ हो रही है, हाँ? Absolutely. Just relax. ऐसे भड़कने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ पूछा कि शादी कब कर रहे हो। शादी तोड़ने के लिए तो नहीं कहा ना। Actually, शिवाय, she is right. अब तक हम लोगों ने शादी की डेट फिक्स नहीं की है। It's not fixed. तो कर लेते हैं ना। Let's just do it. हाँ? तो तुम मुंबई में कब तक हो? For the next 2 weeks. Oh great, 2 weeks. हाँ, तो कर लेते हैं ना। तुम यहाँ हो, अनिका यहाँ है। आई थिंक यू जस्ट बोथ ऑफ यू शुड गेट मैरिड इन 2 वीक्स। मैंने कहा 2 हफ्ते में शादी कर लो। आपका दिमाग ठीक है? 2 हफ्तों की तैयारी में मैं मजाक नहीं करती, शादी क्या करूंगी? प्लानिंग के लिए 2 हफ्ते बहुत होते हैं। और तुमने कहा ना अनिका कि विक्रम इज अ वेरी एडवेंचरस स्पॉन्टेनियस सॉर्ट ऑफ अ गाय, हाँ? तो 2 हफ्ते के बाद शादी, आई एम श्योर ही लव द आइडिया। नो विक्रम, स्पॉन्टेनियस तो मैं हूं, लेकिन तो इशू क्या है? या फिर तुम दोनों शादी करना ही नहीं चाहते?
I mean, you can tell me if you guys are not serious. मैं ऐसे ही बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन गया। कुछ भी बोलते हैं ना आप, हमने कोई एवी में टाइम पास में हमने मंगनी नहीं की है। हम सीरियस हैं शादी को लेके, हम सीरियस हैं ना शादी को लेके? या या वी आर सीरियस। बहुत सीरियस हैं हम। तो कर लो ना, कर लो ना शादी। You know what if time is a problem, बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। तुमने मेरी शादी के सारे अरेंजमेंट्स किए थे, तो अब तुम्हारी शादी के अरेंजमेंट्स मैं करूँगा। Just tell me, Anika. हमसे ज़्यादा जल्दी तो आपको है हमारी शादी की। ठीक है, तो अगर आप यही चाहते हैं तो यही होगा। Did you disagree? आप यही चाहते हैं ना कि हमारी शादी 2 हफ्ते में हो, तो ऐसा ही होगा। हमारी शादी 2 हफ्ते में होगी। Good job, Mr. Rahman. I'm happy that you're back. Excellent job. I'll just be back. Yeah. एग्जीबिशन देखने आई हो, अच्छा लगा? हम तो बस देखने आए थे। गौरी तुम चली क्यों गई? और क्या करते? आपने कहा था कि जिंदगी में, कि दिल में हमारे लिए कोई जगह नहीं। गलत कहा था, क्योंकि मैं गलत था। गलत सोच, गलत समझ रहा था, लेकिन अब मैं समझ गया कि गलत तुम नहीं, गलत मेरी सोच थी। तुमने पूछा था ना मुझसे, मेरी जिंदगी में तुम्हारी क्या अहमियत है, क्या जगह है? ये जब आप मेरी पेंटिंग्स तुम्हें देखी,
रिलेशनशिप चाहिए तो आपको मुंबई आना पड़ेगा। अब दिखाओ। मैं तो दिखाने ही वाला था, आपने अंडा छीन लिया। फिटियो दिखाओ। श्वेतलाना, तेज को देखा तुमने? ये आवाज, आवाज कैसी? नहीं, मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही है। ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हें आवाज नहीं सुनाई दे रही? इतने जोर से तो म्यूजिक बज रहा है। सुनो, ध्यान से सुनो। मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही श्वेतलाना, what's wrong with you? What? तुम्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही? What's wrong with you, श्वेतलाना? श्वेतलाना, कोई म्यूजिक नहीं है। जानवी, ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हें इतना लाउड म्यूजिक नहीं सुनाई दे रहा? सुनाई दिया? तुम बहरी हो गई हो, जानवी, तुम बहरी हो गई हो। श्वेतलाना सुनो, आप कहना क्या चाह रहे हैं? जो बात कही ना जाए उसे कहना जरूरी नहीं। हमें यहां आना ही नहीं चाहिए था। एक्सिबिशन अधूरी रह जाएगी। साथिया, 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 साथिया। इनफैक्ट एक्सिबिशन भी तुम्हारी वजह से हुआ है। अब हम समझे कौन सी बात थी जो आप कह नहीं पा रहे थे। यही ना कि हमारे चले जाने से आप खुद को ढूंढ पाए, अपने अंदर के कलाकार को जगा पाए। हमें खुशी है इस बात की ओमकारा जी, किसी तरीके से तो हम आपके काम आ पाए। हमारे चले जाने से ही सही। कोई तुम्हारे चले जाने से नहीं। एक्सक्यूज मी मिस्टर ओब्रॉय, द मीडिया वांट्स टू टॉक टू यू। जस्ट गिव मी वन मिनट प्लीज। श्योर सर। थैंक यू। आप अपने आप को जितना स्मार्ट समझती हैं आप उतनी हैं नहीं। What do you mean?
मतलब आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू मिस कर दिया। एक्सक्यूज मी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम कोई क्लू मिस कर दें। अच्छा खुद देख लीजिए, हम भी देखते हैं कि हमने क्या क्लू मिस किया। ले तो कीजिए इसे। वैसे हम आपको जितना पप्पू समझते थे आप उतने पप्पू हैं नहीं। पप्पू अनिका भाभी की वजह से पूरे घर की डिक्शनरी की वो मैं माता हो गई है, छोटी माँ की वजह से। आप सही कह रहे थे, हमने सच में इतना बड़ा क्लू मिस कर दिया। वेल डन। देखा आपने कि मैं कितना ज्यादा स्मार्ट हूँ। वो तो बस ऐसा है कि मैं अपनी स्मार्टनेस से छोटे मोटे केसेस में जाया नहीं करना चाहता। बात यह है, अब तो आप समझ गई होंगी क्या कि एक और एक दो नहीं होते, एक और एक 11 होते हैं। आपके कहने का मतलब क्या है? मतलब सिंपल मतलब है, एक से भले दो, दो से भले चार। देखिए गिनती हमें बहुत अच्छी तरीके से आती है, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं मतलब एक अकेला होता है एंड टू, टू इज अ कंपनी एंड जोड़ी वर्क्स बेटर यार। जोड़ी में काम इजीली हो जाता है। मैं तुम्हें बताता हूँ जोड़ियां, राम लखन करण अर्जुन सारे काम कैसे जल्दी ही खत्म कर दिए थे। कम टू द पॉइंट, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम दोनों मिलके करें तो काम ज्यादा जल्दी हो सकता है। इससे ज्यादा इजी तरीके से मैं बोल नहीं सकता। समझ गई आप? क्या वही जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ? हाँ यही ना कि दो लोग किसी भी काम को एक इंसान से ज्यादा जल्दी और ज्यादा इजीली कर सकते हैं। आई गॉट इट। एग्जैक्टली। इसका मतलब? अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है। क्या सिंपल है? इसका मतलब ये है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे रहते रहते अपना काम कर सकती है। मैं आपकी हेल्प कर दूंगा ये मिशन सॉल्व करने में, एक से भले दो, बताया मैंने अभी आपको। ओके एक मिनट रुकिए। ओके व्हाट? ओके ओके मींस ओके। एज इट इज हम यहीं रुकने वाले थे क्योंकि शिवाय भैया ने हमें यहाँ रुकने को कहा है, क्योंकि वो मेक श्योर करना चाहते हैं कि इस फैमिली की सिक्योरिटी को कोई खतरा नहीं है। सो हम यहीं रुक रहे हैं। फिर क्या, मीडिया ही सवाल जवाब करने लगी। जब तक मैं मुड़ा वो चली गई थी। मुझे समझ नहीं आता, जब जाना ही था तो आई क्यों थी? डोंट वरी यो, आप टेंशन मत लो, आपका छोटा जीनियस भाई है ना, आपकी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर देगा। पहले अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। देखो दादी कहती है कि दूसरे की थाली का लड्डू अपनी थाली के लड्डू से ज्यादा बड़ा लगता है, वैसे ही दूसरे की प्रॉब्लम अपनी प्रॉब्लम के आगे छोटी लगती है, तो पहले मैं छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। Are you trying to say मेरी प्रॉब्लम छोटी है? No, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरी प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है, तो फॉर द टाइम बीइंग मैं अपनी प्रॉब्लम को साइड पर रख के आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। आपको मेरी हेल्प चाहिए? तू मेरी क्या हेल्प कर सकता है? मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ। रियली? कौन सा रास्ता? वाह, मतलब मेरी हेल्प चाहिए भी पर इनडायरेक्टली मांगोगे, तो सुनो, रास्ता ये है कि इग्नोर मारो। व्हाट? यस, चुलबुल भाभी को इग्नोर मारो। मेरे ही भाई है ना, मेरी हेल्प ही कर रहे हैं ना। यही तो प्रॉब्लम है आपकी और शिवाय भैया की, आपको ये इग्नोर की गेम ही नहीं पता। देखो लड़कियों के पीछे जितना भागोगे लड़कियां उतना ही आपसे दूर भागेंगी, पर जैसी आप लड़कियों के पीछे भागना बंद करोगे वो कंफ्यूज हो जाएंगी, वो बोलेंगे अभी हमारे पीछे क्यों नहीं आ रहा, और उसी क्यों का जवाब ढूंढने के लिए वो आपके पीछे आएंगे। सो बेसिकली इग्नोर टू गेट नोटिस्ड। मेरे भाई मुझे हमेशा लगता था कि तू अजीब है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं स्मार्ट हैंडसम हूं। है तो बहुत बड़ा मन बुद्धि है। थैंक्स ब्रो, ये नया था। तो अब आप देखना कि अगले 8 घंटे में आपको चुलबुल भाभी का फोन आएगा, और 8 घंटे में क्या वो अभी भी आप ही को फोन करने के बारे में सोच रही होंगी। Oh,
मां प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।